हाय गाइस, वेलकम टू शुभम टेकवर्क्स। ये है लावा फ्लिप फीचर फोन। तो ये है लावा फ्लिप फीचर फोन का बॉक्स। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। काफी यूनिक और स्टाइलिश बॉक्स में आता है लावा फीचर फोन। और इसके बॉक्स पे मेंशन्ड है 1 ईयर रिप्लेसमेंट, 3 डेज बैटरी बैकअप, नोटिफिकेशन LED, नंबर टॉकर, फेवरेट डेडिकेटेड बटन, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड। और इसकी यहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है 2029 रुपीज, बट आप इसको इजीली फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे 1500 से 1700 की रेंज में बाय कर सकते हो। फटाफट से खोलते हैं इसको। तो ये है लावा फ्लिप फीचर फोन और बॉक्स में हमें एक चार्जर और इसकी बैटरी मिल जाती है। ये है 1200 mAh की और ये है स्टाइलिश लुकिंग रेड कलर में लावा फ्लिप फोन। आपने इस प्राइस रेंज में काफी सारे फीचर फोन देखे होंगे, लेकिन ऐसा फ्लिप फोन शायद ही देखा होगा। और बात करते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की। यहाँ पे राइट साइड में हमें मिल जाता है माइक्रो USB केबल, चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक, और पीछे की तरफ है एक 0.8 MP का कैमरा, स्पीकर ग्रिल, लावा की ब्रांडिंग, और सामने की तरफ है LED नोटिफिकेशन लाइट। अब ओपन करते हैं इसकी फ्लिप को। तो इस फोन से मुझे वो रेट्रो मोबाइल फोन्स की याद आ जाती है जो मोटोरोला वाले फ्लिप फोन आया करते थे बहुत साल पहले। वैसा ही एक फोन मेरे फादर के पास भी था। इसमें इसकी बैटरी डाल के इसको पावर ऑन करके देखते हैं। इसका बैक कवर मैंने खोल लिया है। ये है एक ड्यूअल सिम फोन। यहाँ पे मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड डालने का स्लॉट। अब करते हैं इसमें बैटरी इंसर्ट और बंद करते हैं इसका बैक कवर और करते हैं इसको पावर ऑन। लावा प्राउडली इंडियन। टफट से मैं इसको कर देता हूँ सेटअप। काफ़ी बड़ी कीज़ वाला कीपैड हमें इसमें मिलता है और यहाँ ऊपर की तरफ कुछ डेडिकेटेड बटन्स हैं FM के लिए, कैमरा के लिए और म्यूज़िक के लिए। और राइट साइड में ऊपर एक सुपर बैटरी मोड एनेबल्ड बटन भी है और इसको आप लॉन्ग प्रेस करके ऐसे ही डिसेबल भी कर सकते हो। अब देखते हैं इसका यूज़र इंटरफेस। ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, म्यूज़िक, कैलेंडर, फाइल मैनेजर, मैसेजेस, क्लॉक, गेम्स देखते हैं कौन कौन से गेम्स इसमें इनबिल्ट मिलते हैं। एयर स्ट्राइक, ओ ये काफ़ी रेट्रो गेम है, बहुत लोगों ने इसको खेला भी होगा बहुत साल पहले। मुझे तो काफ़ी पसंद था। बाकी जो दो गेम हैं निंजा अप और डेंजर डैश, इसके आपको सिर्फ 5 ट्रायल्स ही फ्री मिलते हैं। और ये है सेटिंग्स, ये है रेडियो, साउंड रिकॉर्डर, ब्लूटूथ 3.0 भी इसमें मिलता है, वीडियो प्लेयर, एप्लीकेशंस, कैलकुलेटर, कैमरा और ये है इमेजेस का सेक्शन। इस फ़ोन की जो मुझे सबसे खास बात लगती है वो कि आप इसकी फ्लिप बंद करके ऐसे अपनी कॉल कट कर सकते हो। ये काफ़ी कूल है यार। बट हाँ, कॉल पिक करने के लिए आपको इसको ऐसे मैनुअली उठाना पड़ेगा, लेकिन कॉल कट करने के लिए ये काफ़ी कूल है यार। काफ़ी स्टडी है ये फ़ोन और इसकी हैंड फील भी काफ़ी अच्छी है, छोटा सा हाथ में आ जाता है और पूरा मैट फिनिश में दिया हुआ है ये फ़ोन। तो आपके घर में जो भी एल्डरली लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉइस बन सकता है ये फीचर फ़ोन। इसमें बड़ी बड़ी कीज़ हैं और नंबर टॉकर भी है, जिन लोगों को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत काम आ सकता है। तो इस लावा फीचर फ़ोन को आप किसी एल्डरली पर्सन के लिए अपने घर में ले सकते हो। जिनको ये फ्लिप वाले फ़ोन पसंद है वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग टेकवर्क्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल शुभम टेकवर्क्स।